बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे नेस्टेड लूप। तो नेस्टेड लूप की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन बनती है ए लूप विद इन लूप इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप। यानी कि अगर लूप के अंदर हम लूप यूज़ कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, आपकी नेस्टेड लूप बन जाएगी। जैसे व्यूअर्स, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे इंट आई कॉमा जे। तो अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ फॉर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, आई इज़ लेस देन टू है और आई प्लस प्लस। तो व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो ये वाला जो लूप है ना हमारा, ये टू टाइम एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ज़ीरो पे भी एग्जीक्यूट होगा और वन पे भी एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह अब लूप की बॉडी के अंदर मैं एक और लूप यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया जी, जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जे इज़ लेस देन थ्री है और जे प्लस प्लस है। व्यूअर्स, ये वाला लूप जो है ना वो थ्री टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब नेस्टेड लूप में ये होता है कि लूप के अंदर आप अगर लूप यूज़ करते हैं तो अगर बाहर वाला लूप अपनी कंडीशन ट्रू करके कंट्रोल अगर अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र करेगा तो अंदर वाला लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो जैसे व्यूअर्स, यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, यहाँ पे डबल कोट के अंदर आई कंकैटिनेट, आई की वैल्यू शो हो जाए, उसके बाद कंकैटिनेशन साइन और उसके बाद जे कॉलन कंकैटिनेट जे की वैल्यू शो हो जाए और एंड पे हम सेमी कॉलन लगाते हैं। इसको सेव करने के बाद जैसे व्यूअर्स मैं रन करता हूँ तो व्यूअर्स देखें, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज़ लेस देन टू, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल आपका अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे ही कंट्रोल अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र होगा तो ये लूप तीन टाइम चलेगा और जब ये थ्री टाइम एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी, तो जे की वैल्यू ज़ीरो वन टू हो जाएगी। यानी कि जे, यानी कि अगर ज़ीरो है तो यहाँ पे पहले कंडीशन आ जाएगी जे इज़ ज़ीरो, ज़ीरो इज़ लेस देन थ्री, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है, आई कॉलन आई ज़ीरो और जे कॉलन जे की वैल्यू ज़ीरो शो हो जाएगी। ये स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद जे की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वन हो जाएगी। वन इज़ लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि आई कॉलन ज़ीरो और जे कॉलन वन हो जाएगा। और उसके बाद जे की वैल्यू में एक का और इजाफा हो जाएगा, जे कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू हो जाएगा। टू इज़ लेस देन थ्री कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, आई कॉलन ज़ीरो और जे कॉलन टू हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जे की वैल्यू में जब इजाफा होगा, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे थ्री हो जाएगी। जब थ्री होगी तो कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो कंट्रोल आपको जो है ना दोबारा ट्रांसफ़र हो जाएगा आई बाहर वाले लूप को। जब बाहर वाले के लूप को कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा तो आई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वन हो जाएगी। वन इज़ लेस देन टू है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे जब कंट्रोल अंदर वाले लूप को ट्रांसफ़र होगा तो जे की वैल्यू दोबारा फिर स्टार्ट से, यानी कि शुरू हो जाएगी, यानी कि जे की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये जे के, यानी कि ज़ीरो पे भी चलेगा, टू पे भी चलेगा, वन पे भी चलेगा और टू पे भी चलेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद दोबारा कंट्रोल आपका बाहर वाले लूप को ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पे आपकी वैल्यू टू हो जाएगी। जब ये लूप इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप में से बाहर निकल आएंगे तो ये स्टेट आउटपुट आपको मिल चुकी होगी, यानी कि आई इज़ इक्वल टू आई लेस देन हो जाए और जे हो जाए, तो ये वाली आउटपुट आपके यानी कि शो हो जाएगी। अगर व्यूअर्स इसी प्रोग्राम को मैंने अगर उसको करना है वाइल लूप के थ्रू करना है तो आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है जी, और उसके बाद आ जाएगा वाइल आई इज़ लेस देन टू है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, और उसके बाद आ जाएगा जी वाइल जे इज़ लेस देन थ्री है, और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पर आ जाएगा आई कॉलन आई की वैल्यू, और उसके बाद आ जाएगा कंकैटिनेशन साइन, और उसके बाद आ जाएगा जे कॉलन कंकैटिनेशन साइन,
यहाँ पे जे की वैल्यू शो हो जाएगी। और ये अंदर वाला लूप है हमारा, तो यहाँ पे जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा, और जब आप बाहर हमारे लूप्स को ट्रांसफ़र होंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसको दोबारा रन करते हैं तो आपको सेम आउटपुट नज़र आ जाएगी, यानी कि आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ज़ीरो इज़ लेस देन टू है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जो ये ज़ीरो ज़ीरो इज़ लेस देन थ्री है तो ये ट्रांसफर प्रिंट हो जाएगा, आई ज़ीरो और जे ज़ीरो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा कंट्रोल, क्योंकि बाहर वाले लूप से अंदर वाले लूप को ट्रांसफर हो गया है, तो अंदर वाला लूप उस वक्त चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जे इज़ इक्वल टू वन हो जाएगा, यहाँ पे वन इज़ लेस देन थ्री है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर आ जाएगा आई कॉलन ज़ीरो और जे कॉलन वन, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद जे की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, जे की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी आई कॉलन ज़ीरो और जे कॉलन टू आ जाएगा। उसके बाद जब जे की वैल्यू में एक और इजाफा होगा, जे कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री इज़ लेस देन थ्री, थ्री कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। जैसे आपकी कंडीशन फॉल्स होगी आप लूप की बॉडी में से बाहर निकलेंगे तो आई की वैल्यू में इजाफा हो जाएगा, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, और वन जब होगी तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर वाला लूप फिर तीन दफ़ा एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा। तो ये है विवर्स तरीकाकार नेस्टर लूप के अंदर अगर आपने वाइल लूप को यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर आपने डू वाइल को लूप को यूज़ करेंगे तो वो भी आपका इसी तरह समझ लें कि वो प्रिंट कर देगा। तो व्यूवर्स, मशहूर ज़माना प्रोग्राम, अगर आपने कुछ स्टार्स प्रिंट कराने हैं तो जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि फॉर का लूप यूज़ करता हूँ, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, आई इज़ लेस देन मैं कहता हूँ जी फाइव है, आई हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी फॉर जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जे इज़ लेस देन फाइव है, और जे हमारा यहाँ पे प्लस प्लस हो जाए, यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्टार प्रिंट कर देते हैं, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट के अंदर स्लैश एन को यूज़ कर लेते हैं। इसको सेव करते हैं तो व्यूअर्स ये हर लाइन के अंदर जो है ना फाइव स्टार जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि पहली लाइन में एक स्टार प्रिंट हो, फिर दो स्टार प्रिंट हो, फिर तीन स्टार प्रिंट हो, और फिर चार स्टार प्रिंट हो, और एंड वाली लाइन में फाइव स्टार प्रिंट हो, तो अंदर वाले लूप को हम बाहर वाले लूप के वेरिएबल से कंट्रोल कर लेते हैं, तो ये व्यूअर्स इस तरह प्रिंट हो जाएंगे। और इसको अगर हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे तो ये देखें व्यूअर्स, ये पाँच। अब अगर इसको आप उल्टाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइव है, और आप इसको कहते हैं ग्रेटर देन ये इक्वल टू सॉरी वन हो, सॉरी ज़ीरो हो, और इसको आप क्या कर देते हैं जी माइनस माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, जे इज़ लेस देन ठीक होना चाहिए, तो व्यूअर्स ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको ये ले जाए तो इस तरह स्टार आपके प्रिंट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स ये था आज का प्रोग्राम जिसके अंदर हमने नेस्टेड लूप को कैसे यूज़ करते हैं। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।